सुबह एडमिशन लेने की बात में ही इग्नू में कई सारे पॉइंट निकल के आते हैं कि अब आगे करें तो करें क्या, कब एग्ज़ाम होंगी, कब बुक्स मिलेगी, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और असाइनमेंट कब बनाने होंगे। ये सारे सवाल आप सभी के माइंड में घूमते रहते हैं और यकीन मानिए आपके माइंड को पूरी साल भर परेशान करने वाले हैं अगर आपको ये स्टार्टिंग में ही ना पता हो तो। तो यार आज की इस वीडियो में इन्हीं पर बात करूंगा, सारे पॉइंट लगभग मैं क्लियर कर दूंगा आप सभी को। पूरे इंटायर दिस ईयर आप सभी को कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना गाइस। तो दोस्तों मेरा नाम है जयंत सिंह, आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए बात करते हैं आप सभी को एडमिशन लेने के बाद में इग्नू में क्या क्या करना होता है और कब कहाँ से करना होता है। चलिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने इग्नू के अंदर एडमिशन ले लिया, अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि आपकी क्या क्या आइडेंटिटीज़ है इग्नू में। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को जानना है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, स्टडी सेंटर कौन सा है, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीजनल सेंटर की ओर से मिलती है, क्लासेज आपकी स्टडी सेंटर की ओर से होती है, असाइनमेंट सबमिशन आपका स्टडी सेंटर पर होता है। ओके, तो यहाँ पर अब मेन बात आती है कि आपको रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर कैसे पता लगा सकते हैं। सो उसके लिए गाइस आप सभी को आईडी कार्ड मिलता है, उस पर इन्फॉर्मेशन होती है, एडमिशन के टाइम पे भी आप लोग अप्लाई करते वक्त वहाँ पे फिल करते हो। दूसरी बात, आप सभी लोग अपना एडमिशन स्टेटस भी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना दी है किस प्रकार से आपको एडमिशन स्टेटस चेक करना होता है, साथ ही सिंपल प्रोसेस है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपका एडमिशन स्टेटस शो होता है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं और साइड में आपकी कॉलेजेस की डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन से हैं, फिर नीचे आपका प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल होती हैं, साथ ही कुछ और ऑप्शन गिवन होते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेरियस चीज़ों के लिए। सो आइए बात करते हैं, ये तो रहा आपका एडमिशन स्टेटस का, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, वो है आपकी बुक्स को लेकर। अब देखिए मेन पॉइंट आता है कि आपकी बुक्स कब आती हैं और बुक्स आप लोग कैसे पा सकते हैं। तो देखिए आप सभी की बुक्स एडमिशन के लगभग वन मंथ के बाद में आ जाती हैं इग्नू से, बट इस बार क्या है कि एक्चुअल में लॉकडाउन है, सो लॉकडाउन की वजह से इस बार प्रोसेस डिले हो रहा है। उसका रीज़न दो तीन है, पहला तो इग्नू में भी कई सारे वर्क अभी पेंडिंग है, और दूसरा रीज़न ये है कि कोरियर सर्विसेज इंडिया पोस्ट के जरिए बुक्स आती हैं, तो इस वजह से आप सभी की वो बुक्स नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उनके भी ऑफिसेज दो दिन ही ओपन हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये इशूज़ फेस करना पड़ रहा है। ओके, आई होप कि आप सभी लोग ये समझ होंगे। वैसे इन जनरल प्रोसेस वन मंथ एडमिशन के बाद में आप सभी की बुक्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है आप सभी का कि ऑनलाइन बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपल वेबसाइट है एक ई ज्ञान कोश जो कि इग्नू के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीधे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, eGyankosh.ac.in, ठीक है, .ac.in, इस पर आपको लगभग सारे ही आपकी बुक्स मिल जाएंगी इग्नू से रिलेटेड, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं आपकी क्लासेस को लेकर। देखिए क्लासेस को लेकर यहाँ पे दो तीन पॉइंट हैं जो शेयर करूँगा। क्लासेस यहाँ पर अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मान के चल रहे हो कि आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी समथिंग ऐसा कुछ है, तो यार आप लोग शायद किसी गलत फहमी में हो। देखिए यहाँ पर प्रॉपर क्लास नहीं होती है, यहाँ पर डाउट सेशन होते हैं 4 से 5, डिपेंड करता है आपके कोर्स वाइज, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन किया है कि कितने एक बच्चे को आपके क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, थीके? तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कई बार आपको मौके मिलते हैं, कई बार वो नहीं मिल पाते। अब सबसे बड़ी यहाँ पर जो इशू आता है उस पर बात करते हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो इशू क्या आता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती कि क्लासेस हो रही हैं या नहीं, उनके पास में शेड्यूल नहीं होता, लिंक नहीं होते, तो इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं उनके माइंड में। तो इसके लिए दो सॉल्यूशन मैंने क्रिएट किए हैं, पहला तो मैंने क्रिएट किया, दूसरा आप सभी के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है उस पर मैं बात करूंगा। देखिए पहला क्या है कि मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ इग्नू क्लासेस, उसमें सभी बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर जितने भी रीजनल सेंटर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वो सभी वहाँ पर पुट कर दी जाएगी, और इग्नू में आप किसी भी रीजनल सेंटर क्लास में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सभी ऑनलाइन हो रही है तो आप लोग ईजिली अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्या है ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप लोग शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरा एक बेसिक सॉल्यूशन आप लोगों को जो डायरेक्टली मिल जाता है,
वो आप लोगों को रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की ओर से ईमेल के द्वारा मिल जाता है कि आपकी क्लासेस हो रही हैं, ये लिंक है, ये शेड्यूल है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक बात क्लासेस के संदर्भ में। और जहाँ तक बात है कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होता है क्लासेस को लेकर कि क्लासेस करना कंपलसरी है क्या, क्लासेस में अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं या कंपलसरी अटेंडेंस लगवाना, तो ऐसा नहीं है, अटेंडेंस के कोई मार्क्स नहीं होते, क्लासेस आप पर डिपेंड करते हैं, आपको लेनी है तो ले सकते हैं, नहीं लेनी तो कोई इशू नहीं है। ओके, आई होप क्लासेस की ईच एंड एवरी टर्म मैंने यहाँ पर क्लियर आउट कर दी। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स को लेकर। देखिए असाइनमेंट कौन से करने हैं वो समझ लो पहले, ऑलरेडी एक वीडियो में क्लियर आउट किया था बट यहाँ पे भी समझ लीजिए। आपने लिया जनवरी सेशन में एडमिशन, तो आप सभी के जो असाइनमेंट हैं वो आपको करने हैं जुलाई 2020 से जून 2021 वाले सेमेस्टर वन के लिए और जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 वाले आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और जिन बच्चों ने सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो करेंगे जनवरी सेशन के असाइनमेंट। ठीक है, जनवरी 2021 वाले असाइनमेंट आप लोगों को करने हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हो गए। अब मेन बात आती है असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करें, तो इग्नू का सिंपल पोर्टल है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम वाइज। ओके, सो गाइज ये तो रही असाइनमेंट के संदर्भ में बात। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जो कि है आप सभी का एग्जामिनेशन। बट उससे पहले कुछ बच्चों को ये रहता है कि हमें असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक जेन्युइन सोर्स बता दीजिए सर कि हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो एक लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, वहाँ से आप उनसे कॉन्टेक्ट करके असाइनमेंट परचेज कर सकते हो। जेन्युइन है तो आप सभी को सही असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है, और लो कॉस्ट पे मिलेंगे। दूसरी बात, कुछ एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। इन जनरल साइट पर परचेज करने में थोड़ी कॉस्ट हाई हो जाती है, लेकिन एक रिसोर्स आपके लिए बेनिफिशियरी रहता है। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो, या तो लिंक से चली जाइए या फिर किसी एक रिस्पेक्टेड वेबसाइट पर आप विजिट करके कर सकते हैं। और मेन बात यहाँ पर प्लस पॉइंट समझो कि असाइनमेंट अगर आप खुद से करते हो वो वेल एंड गुड होगा। ठीक है, अगर आप अपने आप से कर ले तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग फिर खुद से करिए अगर आपके उसमें टाइम है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट है कि नहीं कर सकते, तब आप परचेज करने की ओर या फिर किसी वजह से देखने की ओर जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है आप सभी का एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन बेसिकली इग्नू में दो बार में होते हैं, एक जून में और एक दूसरा दिसंबर में, जिसे हम TEE के नाम से जानते हैं, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो दो बार एग्ज़ाम होते हैं। अब बेसिक बात समझो, अगर आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपका जो पहला एग्ज़ाम होना है वो आपका जून 2021 में होना है, लेकिन अभी पोस्टपोन कर दें, नेक्स्ट शेड्यूल में आप अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही सेमेस्टर वालों के लिए, लेकिन जिनका ईयर एंड प्रोग्राम है उनके एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में ही होंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से एग्जामिनेशन वाली टर्म भी क्लियर आउट हो गई। साथ ही एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जनवरी सेशन के लिए विशेषकर जनवरी के लिए मैं एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी वैलिडिटी आपकी एग्जामिनेशन तक रहेगी, टिल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो उस ग्रुप में इनरोल कर सकते हैं, वन टाइम आपको फीस पे करनी है, उसके बाद में कोई पे नहीं करनी, बहुत लो कॉस्ट है। ठीक है, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टर्म वहाँ पर मिल जाएगी, सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन, और आप सभी के लिए वीकली डाउट सेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आप पर्सनली अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज इग्नू में डायरेक्ट रिसोर्स या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिस कारण से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं माइंड में। सो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। साथ ही ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को सभी इग्नू के छात्रों के साथ में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।